फ्राई व्हील पे निशान दिया हुआ है, अंदर प्लेट जो लगी है खोलेंगे तभी पता चलेगा। किसी में होते हैं जैसे इस पुली पे दो निशान दिए होते हैं, ठीक, इसमें नहीं, इसमें फ्राई व्हील पे है अंदर। तो जिसमें दो निशान होते हैं, ठीक, वो किस लिए होते हैं नहीं पता, टाइमिंग के लिए होते हैं, उससे दो टाइमिंग फिट होती है। जो पहला निशान होता है वो होता है फ्यूल इंजेक्शन पंप की टाइमिंग के लिए, पंप का, ठीक। जो दूसरा होता है वो होता है टाइफाइड का, नहीं होता है, वो होता है वॉल टाइमिंग का, वॉल टाइमिंग का। जैसे कभी भी आपको किसी ने पूरे गियरों में निशान लगा दिए या नहीं निशान है तो आप कैसे मिलाएंगे, सिर्फ ऐसे ही मिलाएंगे, जो पुली पे निशान है, ठीक है, सेकंड नंबर का, ठीक है, उस पे पिस्टन आपको वो टॉप पे मिलेगा, उस पोजीशन में आपकी गेम सापट जो है डांसिंग पोजीशन पे होनी चाहिए, आपने उतने पे फिट कर दो, ठीक है, ट्रैक्टर स्टार्ट करेगा। और फिर मैं और उसके बारे में भी बताऊंगा कि वो सही और गलत कैसे चेक करोगे कि हमने जो फिट किया है ये बिल्कुल सही है या गलत है, ठीक है। अब पंप पे आ जाइए, पंप पे क्या, जो पहला निशान होता है उसमें क्या, हमारा पिस्टन इतना डाउन रहता है, मान के चलिए जो 5 रुपये का सिक्का होता है उतनी एरिया उसे अभी तय करना क्या है, बाकी है, गैप होता है, ठीक है, ये बहुत है, ये दोनों गैप है, वो 5 रुपये के सिक्के, और वो किसी में कम और ज़्यादा कंपनी करती है, ठीक है, मगर कंपनी ने जो हमें मार्का दिया है, जो अपना वो बताया है कि 14 पे रहे 10 पे रहे हमको और आप सभी को उसी पे चलना है, ठीक, अपनी कोई मनमानी नहीं करना है। आप लोग जैसे यहाँ कैसे जैसे निशान मिलाया नहीं मिलाया, पंप में जो वो लोब बनी होती है उसको ऊपर नीचे करके हिट कर दिया, ट्रैक्टर स्टार्ट हो गया, सही है, ये सब गलत है। अगर किसी ने प्लंजर पंप जहाँ बनवाए हो, अगर उसका जो टाइपेड रोलर होता है अगर उसको छेड़ दे तो सेटिंग जो अनफिट हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, अगर उसको एक चूड़ी उठा दे, आप तो उसका वो देख रहे हो कि उतना वो डाउन है, बस उसी पे चल रहे हो शुरू से आखिरी तक, तो ये क्या है, गलत है, गलत है कि नहीं है, रॉन्ग साइड है। तो जो निशान है वो वहाँ पे होना चाहिए, तो निशान के लिए उसमें जैसे किसी में स्वराज में देखा है पत्ती होती है, पत्ती तो पत्ती के सामने पहला वाला निशान वॉल टाइमिंग के लिए होता है, उस जगह पे वो हो। अब पंप पे आ जाइए, पंप को खोल लिया, ये आप चाहो तो इसका होल्डर खोल लेंगे तो उसमें से वो निकालना पड़ेगा स्प्रिंग, अगर ये नहीं निकाल रहे हो तब भी आपका टाइमिंग ड्रॉप मिल जाएगा। इस पाइप को खोल लेंगे, एक को पूरी सप्लाई कंप्लीट कर लो डीजल की, ठीक है, फिर करना क्या है, जो जिससे मिला रहे हो, जैसे जो पुली पे निशान है एक नंबर पिस्टन से है, ठीक है, तो आपको यहाँ से एक ही लेना है। तो करना क्या उसमें है, जब वहाँ पे वो 5 रुपये के सिक्के की बराबर दूरी रह जाती तो प्लंजर हमारा कौन सी कंडीशन में हो, हमें बॉडी के अंदर और बाहर से नहीं मतलब है, हमें प्लंजर के अंदर घुस के देखना है कि हमें प्लंजर किस कंडीशन में रखना है। तो उस दौरान क्या होता है, अरे एक लड़का आ रहा है उसे एक प्लंजर दे दी, प्लंजर मिल जाए तो भी पहुंचे तेरे पास, हाँ प्लंजर दी पुराना, प्लंजर जैसे कोई ये होता है पुराना दे दे, अरे वो बता देगा अपना। देखो प्लंजर में जैसे ऐसे ये है, अच्छा ठीक, जैसे ये एक ये होल है, ये प्लंजर ऐसे डंडी उसके ऊपर नीचे कर रहा है ना, तो इस होल से क्या जाता है प्लंजर के अंदर तेल, तेल जाता है कि नहीं जाता है। तो जब यहाँ पे सेकंड फर्स्ट वाला जो नंबर पे पत्ती पे आपका पिस्टन है, यानी इतनी दूरी तय करने को, तो प्लंजर आपको इतना उठे कि ये जो तेल जाने का रास्ता है सिर्फ उसको बंद करे, ठीक है, जब ये रास्ता आपका बंद होगा, सिर्फ बंद ही हो, बाकी ये नहीं कि आप और कर दिया तो वो गलत है, वो आपको इस हिसाब से उठाना है कि सिर्फ रास्ता ही बंद हो। अगर इसका वो निकाल लिया स्प्रिंग, ठीक है, तो हैंड प्राइमर आप चलाएंगे, अगर रास्ता खुला है तो तेल देगा, और जैसे बंद होगा, ठीक है, तेल देना बंद हो जाएगा, उसी जगह पे आपको कस देना है,
ना फिर आगे ना पीछे करना, वहीं शिफ्ट कर दो सर वहीं पे। तो उधर आपका पिस्टन कितना बचा, इतना दूरी तय करने का। जो प्लंजर का तेल का होल होता है उसकी भी दूरी कितनी बची, जो होल होता है उसके ऊपर और कितना होता है, उतना ही तो होता है। तो ऐसे उसकी टाइमिंग मिलाई जाती है, ऐसी कंडीशन होनी चाहिए। ट्रैक्टर किसी भी कंपनी का हो, डीजल इंजन कोई सा हो, सभी में ऐसे ही चलेगा। अब अगर आप ऐसा नहीं कर रहे तो किसी ने जैसे क्या लोब उठा दिया और उसका प्लंजर का टाइपेट जो होता है पंप जहाँ बनवाया उसने छेड़ दिया, तो आप तो उसी पुराने ढर्रे से चल रहे हो, मगर वहाँ पे अब क्या है एडवांस जा रहा है, तो क्या करोगे, नहीं पता है। तो हमें वहाँ वो चीज़ देखनी है और यहाँ पंप में कि तेल बस रास्ता उसका बंद हो। आपका टाइमिंग बिल्कुल वो सही है, कोई उसे फेल नहीं कर सकता। उससे क्या होगा, जैसे किसी अंदर कोई गियर कट गया, आप अपने पुराने निशानों से ऐसे चल रहे हो अपने हिसाब किताब से, तो उसमें क्या होता है अगर उसका गियर लूज हो गया, गियर कट गए, पिल्ले आ गए, ठीक है, तो आपने क्या पंप में या प्लेट जो होता है एक अंदर जैसे वो जो टाइपेट होता है मोटाई होती है, बहुत लोगों को मैंने देखा है बॉडी से उसका मिलान करके फिट करते, ऐसे तो करते हो, कैसे करते हो आप लोग, ऐसे तो करते हो, तो वो क्या तरीका सही है। अगर जैसे आप उस पर कर रहे हो और हमने क्या किया पंप का जो है उसका बढ़ा दिया, भाई जो टाइपेड है जो प्लंजर को अप डाउन करता है पुशिंग करता है, अगर उसकी ठोकर बढ़ा देंगे ऐसे तो वो बढ़ नहीं जाएगा, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। तो जो तेल हमारा है उसकी कंडीशन जो है जिस समय जलने की है वो कम और ज़्यादा होगा कि नहीं, तो जो कंपनी ने टाइमिंग दिया है उस पर आपको देना, समझ रहे। इस कंडीशन में आप मिलाएंगे, निशान है, तो निशान तो है नहीं इसमें, इसमें निशान यहाँ पे निशान फ्लाईव्हील पे है, फ्लाईव्हील है ना, इस पे व्हील में महिंद्रा में व्हील पे होता है, किसी में फ्लाईव्हील पे होता है, वो फ्लाईव्हील और इंजन की पुली, इसका सर व्हील पे दिया गया, इसका व्हील पे स्वराज में होता है, किसने स्वराज में होता है, स्वराज में होता है, स्कॉट में होता है, व्हील में और फार्मटेक में होता है, महिंद्रा में तो है, हाँ महिंद्रा में भी है। अब उसमें भी देखो सभी में आप दो निशान पाएंगे, बातें कि नहीं बातें, तो दो निशान इसीलिए होते हैं। और टाइपेट मिलाने का जो तरीका बताया है आप ऐसे मिलाएंगे, ठीक है, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो टाइमिंग का मैंने तरीका आपको बताया है आप हिट कर देंगे, कोई बच्चे से तेल का जो डाल ले स्टार्ट कर ले, कोई रोक नहीं सकता कि ट्रैक्टर वो स्टार्ट ना हो, टाइमिंग ठीक होगा सर, तो समझ रहे हो, क्योंकि हमने क्या किया हमारा पिस्टन ये पुली बताती है कि इतना रह गया उससे दूरी तय करने को, और प्लंजर की जो कंडीशन मैंने छोड़ी है जो तेल हमने बंद पोजीशन पे छोड़ा, समझ लो कि आप उसके अंदर घुस गए, देख लिया, झांक लिया, हुआ कि नहीं हुआ। जब ये पाइप खोलेंगे तो अगर प्लंजर रास्ता बंद है तो प्लंजर को पेचकस से पुशअप करोगे, लिफ्टिंग करो, उठाओ, ठीक है, तो एक बार में जो तेल भरा है उसकी बैरल में वो पुश कर जाएगा, दोबारा वो तेल फिर कुछ करोगे तो नहीं जाएगा, तो समझ लो कि आपका रास्ता उसने क्या लॉक है, उसे खोलना है सर, उस दौरान लॉक ही होना चाहिए। अच्छा। जब टाइमिंग वो उतने पे करना है वहाँ पे वो हो और यहाँ पे ये हो, जी समझ रहे बात को, इतने पे आप फिट करेंगे कोई इंजन को रोकने वाला नहीं है कि स्टार्ट ना हो। पुली के जो निशान है, अगर पुली अगर हमारी सही है तो पुली में अगर चाल है तो भी तो दिक्कत है। किसमें चाल है, जैसे मान लो चलिए पुरानी ट्रैक्टर है, पुरानी ट्रैक्टर में अगर पुली पुरानी लगा दी, लोगो लगा दी, तभी तो दिक्कत आ जाएगी, वो चेक करना चाहिए पुली के निशान को। अगर पुली के पे निशान नहीं है, ठीक है, और जो मैंने बताया है कभी भी कोई ट्रैक्टर खोलना जी, ठीक है, हेड उतारना, जब हेड उतारोगे किसी का गैस्केट चेंज करना, तब जो मैंने बताया है निशान देखना, पिस्टन देखना, 5 रुपए के सिक्के से ज्यादा या कम तो नहीं रह रहा, 19-20 का हो सकता है, कंपनी अपना अपना मानक अलग रखती है। प्लंजर पंप खोलेंगे, ठीक है, तो उसका अगर सब कुछ सही होगा तो उतने पे ही काम करेगा। सर ये रिवर्स पीटीओ, सर ये हमारा जो है इसमें चल गया है, हमारा काम कर रहा है 4x4,
नहीं कर रहा है? कर रहा है, कर रहा है ना। तो इधर इसमें क्या है? इसमें ऑन है, बीच में ऑफ है। ये तुम्हारा ऑन हो गया, अब काम करेगा ना? अब काम तो करेगा। ये ग्राउंड बच्चा इसका है भाई, ये जो है ये पीटीओ का साथ इसी के स्टिकर में। अच्छा, इसको इसी में शिफ्ट कर रखा सर है ना? सर फोर्स वाले जो सनवान जो आया कुछ कुछ सर उसका टाइम मार रहा है, उसमें भी इसी चीज का दिया हुआ है। इसमें क्या, जितने हमारे ट्रैक्टर के गियर हैं आपको 540 मिलेगा और सभी गियरों की स्पीड आपको इसी में मिलेगा। सर इसका डेमो मिल सकता है? जैसे खनाई कर रहे हैं डेमो क्यों नहीं, डेमो खनाई वाला जो काम करेगा। हाँ, आगे की तरफ लगाएंगे सर इसको। हम अगर 4x4 चलाना चाहते हैं सर, जैसे नॉर्मल पिछले भी चल रहे हैं, हम पहले सर इसको वो ऐसा है जब अपने टीथ कॉन्टेक्ट में नंबर लिख दिया है लेफ्ट पे।